किराया में बांट माप विभाग के अधिकारी ने किया दुकानों का निरीक्षण। मथुरा के कस्बा राया में आज बांट माप अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर कांटे बांटों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिब्बा सहित मिठाई तोलने, बांटों में मुहर न लगी होने पर, रेट से अधिक सामान की बिक्री करने पर आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कस्बा राया में आज बांट माप अधिकारियों ने बाजारों में जाकर दुकानों के कांटे बांटों का निरीक्षण किया। रेलवे रोड पर डिब्बा सहित मिठाई तोलने पर एक विजय मिष्ठान विक्रेता के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। अन्य आधा दर्जन दुकानदारों जिनके कांटे बांटों में मुहर न लगने पर कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर पवन यादव ने कहा कि हमें उपभोक्ताओं को जागरूक करना है कि मिठाई डिब्बे के साथ नहीं खरीदें। डिब्बों का वजन अलग होता है और दुकानदार खाद्य पदार्थों की बिक्री रेट से अधिक तो नहीं कर रहे, जिसकी जांच की जा रही है। उक्त अभियान निरंतर चलता रहेगा। अभियान में सीनियर इंस्पेक्टर अनुराग कुशवाहा, इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता, अखंड प्रताप सिंह मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, राया समाचार, मणिपुर। जो कार्रवाई चली, क्या कार्रवाई चली, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? राया में अभी तक हम लोग 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करना है कि मिठाई डिब्बे के साथ ना खरीदें। डिब्बे का वजन अलग होता है और शुद्ध मिठाई का वजन अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरसों का तेल वगैरह ये खाद्य पदार्थ कुछ महंगे हो जाते हैं। इस संबंध में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं कि वो MRP से अधिक तो नहीं बेच रहे, और ये कार्रवाई हम लोगों की निरंतर चलती रहेगी। जैसे देखा जाए राय में काफ़ी समय से यही चल रहा है कि डिब्बे में भी मिठाई तोल के दी जाती है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई? हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं, और राया में अभी 2 महीने पहले भी हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की। अब जो नमूना लिए गए, किस किस चीज़ के लिए गए? अब जो नमूना हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग तो मिठाई जो तोली जा रही है तो उस मिठाई में कुछ जगह मिठाई जो वजन में कम दी जा रही थी उसे हम लोगों ने जब्त किया है। कितनी दुकानों की? अभी एक दुकान पर जब्त किया है, कोई विजय मिष्ठान भंडार है, 3 के चलान हुए और 3 मिठाई वालों के शायद चलान होते हैं। अन्य चीजों पर तौल उपकरण की मोहर न लगवाना, मोहर लगवाना, कई सारी चीजें। फिलहाल